महिला को नशीला दवा पिलाकर बलात्कार करने का एक मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ गहनता से पूछताछ भी जारी है। आपको बताते चलें कि आरोपी के द्वारा महिला के साथ पहले तो बलात्कार किया गया, उसके बाद उसका अश्लील वीडियो बनाकर फोटो खींच कर किया जा रहा था महिला को ब्लैकमेल। कुचामन पुलिस उप अधीक्षक टीम एवं चितावा पुलिस दुष्कर्म एवं SC ST एक्ट के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस उप अधीक्षक संजीव कटेवा ने जानकारी दी कि चितावा थाने में एक प्रकरण दर्ज हुआ था, जिस पर पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई को अंजाम देते हुए मामले में आरोपी कमल किशोर को ग्राम पांचवा से गिरफ्तार किया। ज्ञातव्य पीड़िता ने आरोप लगाया था कि जबरदस्ती दुष्कर्म किया पहले तो, और उसे नशीली दवा दी गई थी जिससे वह बेहोश हो गई। उसके बाद आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया एवं अश्लील फोटो वीडियो बना लिए और उसे वायरल के नाम से धमका रहा था। पुलिस ने आरोपी से गहनता से पूछताछ लगातार जारी है।